भाभी जी कमाल का खाना बनाती है, आप कमाल का खाना बनाती है। मैं कह रहा हूँ कि आपके हाथ में जादू है, जादू भाभी जी। मतलब पता नहीं क्या डालती हैं आप खाने में, खाना लजीज हो जाता है एकदम से। बाय गॉड, यू नॉट बिलीव, खाना में पूरा खा के खत्म कर दो, पूरा खाना खत्म कर दो। तो पूरा तो खत्म कर दिया, सारा का सारा डकार गए। ये क्या कह रहे हैं आप? विपू तिवारी जी ठीक ही तो कह रहे हैं, उन्होंने इतने शौक से अपने लिए घुइयां के पराठे बनवाए थे, आधा पराठा खाया था, सारा चट कर गए। अब जाने दीजिए ना अनीता जी, अलीडू के भैया तो रोज ही बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अब बेचारे प्रभुति जी को तो कभी कभार ही मिलता है। अरे नहीं अंगूरी जी, विभू खूब दबा के खाता है। हाँ ये बात अलग है कि उसको लगता नहीं है, अगर जितना खाना विभू खाता है उतना तिवारी जी खाएंगे ना तो फूल के गुब्बारा हो जाएंगे। नहीं नहीं भाभी जी, हम तो हमेशा नियंत्रण में रहते हैं, भगवती जी की तरह नहीं कि जब मिला खा लिया, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। Excuse me, क्या मैं इतना खाता हूँ क्या? हाँ भाई, हमने तो जब भी देखा आपको से गिर गिर के खाते देखा है। भाभी जी मुझे आपने खाने बुलाया, मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया यहाँ पे? क्या कर रहे, क्या क्या कर रहे? क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? कोई बेइज्जती नहीं कर रहा है तुम्हारी, सब मजाक कर रहे हैं। मैं जानता हूँ इस आदमी को, ये मजाक के आड़ में बड़ी चलाकी से मेरी बेइज्जती कर रहा है। इसमें हाय दिया, ये बत्ती का ही गुल हो गया। जाओ मोमबत्ती लेके आओ पगली, जाओ। हम अकेले जाएं? अरे जाओ ना पगली, घबरा कर हमें ना। जा रहे हैं। ये लाइट कैसे चली गई आज, ऐसे जाती तो नहीं है? हाँ भाभी जी, तो पहली बार ही ऐसा दिख रहा है। जाती है, लोड शेडिंग हो रही होगी। लाइए इसको यहाँ रखो। ओहो, हम देखते हैं कौन है। इतनी रात को कौन आ गया? मम्मी ये मूठी कहाँ से चबक पड़ी इतनी रात को? बहुरिया, ए बहुरिया। हाय दिया अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो बिटिया। बैठिए बैठिए। प्रणाम अम्मा जी। जुग जुग जियो गोरी बिटिया। बक्सा पांटी। अरे अपना बक्सा अपने पास रखो। आपको घूर घूर के कहाँ देख रहे हो? हमको ना कुतुब मीनार है का? आप कुतुब मीनार नहीं है, आप चार मीनार है। अब बुला रहे नल्ले। मैंने कहा आंटी जी, कह रहा हूँ कि कैसी हैं आप, हाउ आर यूज? हाँ 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 ठीक है चलो। अम्मा ये अचानक कैसे आ गई, सब कुशल मंगल तो है? अरे कहाँ बताएं, पंडित रामफल जो है हमको एक तो टेंशन दे दिए हैं। हदिया का टेंशन दे दिए? अब बिटिया पंडित रामफल तुम्हारी कुंडली देख रहे थे। मतलब भाभी जी तिवारी जी को तलाक देने वाली है? बड़ा अनकूथ वुमन। पूरी बात तो सुन नहीं रहा है, बीच में काहे बकर बकर कर रहा है? पड़ गई और कूदो। अम्मा जी आप बताइए ना, पंडित रामफल ने अंगूरी जी के बारे में क्या बताया? अरे गोरी बिटिया, वो बोले हैं कि बहुरिया का ग्रह गोचर कनो ठीक नहीं चल रहा है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हाय दिया। अम्मा ये पंडित रामफल तो फालतू की बकवास करते रहते हैं, वो सठिया गए हैं। खबरदार जो पंडित रामफल के खिलाफ कछु कहा तो, तू शायद भूल गया है कि तू भी उन्हीं की बदौलत हुआ है। अब वो हमको उपाय बताए रहे तभी जाके बैल हुआ। ये उपाय बताया था उन्होंने आप? उपाय ऐसा होता है? अब बताइए ना अम्मा जी, अब पंडित रामफल का बोले? बिटिया वो बोले हैं कि तुमको जो है बहुत सावधान रहने का जरूरत है, एकदम चुकन्ना रहना है तुमको, हैं? ठीक बा। अरे अम्मा जी हम हैं ना अंगूरी जी के साथ, कुछ नहीं होगा उनको। हाँ गोरी बिटिया, अब कहा बताएं, हमारी बहुरिया जो है एकदम गौ है, गौ इसलिए उसका चिंता होता रहता है हमको। अब बहुरिया जल्दी से कछु खाने का लगाओ, हमको सवेरे जाना भी है। हाँ हाँ अम्मा जी, अभी कछु बना देते हैं। हाँ। रंग में डूबा है जहाँ। अरे यार
ये फिर बंद रह गई यार। ये प्रेम भैया ने कैसे खचड़ी सी बाइक दी है यार, बार बार रुक जाती है। यार कुछ तबक्के लगा रहो यार। सही कह रहे हो, वो दोस्त भी ना हमारा इंतजार कर करके बिदक के निकल के चला गया यार। यार एक काम कर, हाँ धक्को दे, तू धक्को दे, सारे बन रहे थे ना ड्राइडर, तू धक्को दे अब। सारे बकवास कर रहे हो, जैसे मैंने बंद कर दियो, चल चुपचाप धक्के मार, दिमाग खराब मत ना करे। एक्सक्यूज मी, मैं धक्को को ना मारूंगा समझ गो, वैसे मेरी सारी एनर्जी इतनी वेस्ट हो चुकी है, पैसे और ना मिले अपन को। अरे मैं तो ना मारूंगा, तू मार ले, बन रहे थे ना बड़ा राइडर, अब बच चला, धक्को दे। जालिम वो देख हवेली, तेरे बाप ने देखी हवेली कभी? सारे मेरे बाप ने देखी, लेकिन मैंने देख ली, वो देख सच्ची में हवेली। कौन सी? अरे हाँ यार मस्त हवेली है। चल मरखान, हाँ हवेली चलकर रात गुजारते हैं यार। हाँ? है? मेरे पास में अद्दो रखो है तो दिखा दे। जालिम नमकीन मुंह की जेब में आ गई। आ मेरी जान, आजा जिंदगी बन गई प्यारे, आजा मौसम सा बना देंगे, आजा 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 अंदर को, आजा अंदर को। उमर खान, हाँ गेट खोलना। ये तो ऑटोमेटिक खुल गया यार। यार टीका, हाँ? यार ये हवेली तो बड़ी पुरानी लग रही है यार। हाँ यार ये तो बहुत डरावनी भी लग रही है यार। जालिम हाँ? तो पता है का हाँ? ऐसी हवेली में ना माल होता है। अरे माल के साथ साथ है ना जहाँ पर भूत प्रेत भी रहते हैं और चुड़ैले भी रहती है खूब सारी। सारे करवे, हमसे बड़ा भूत प्रेत कौन है गो? तू तो सारे सकल से भी ना भूत प्रेतों का रिश्तेदार रखता है वो। प्रेत लग तो है, सुन जहाँ पर देख मैं आवाज देता हूँ अभी हवेली में ना, कोई ना कोई तो निकलेगो। कोई है? कोई है को का? अरे जा हवेली में कोई है को का? जालिम मोए लग रहा, अंदर कोई नहीं है गो यार। कोई तो होगो, लाइट जो चल रही है यार। हाँ यार कोई है को अंदर? जी का है वो जी तो पायल है गई। मैं कहाँ तक घुस आ रहे कमर दिल मुझे नहीं मार। आजा जल्दी आजा। खान तो खतरनाक आदमी है तो यार। टीका मुझे तो भूत लग रहा तो यार वो। भूत भूत तो ना तो यार वो चौकीदार होगो, बाकी हाथ में ना वो लालटेन रहती यार। टीका तो मुँह के हाथ में जे पाय लग गई। भाई जे का है यार। ओ माय गॉड इट्स टू कॉस्टली यार। जानिम तो मुझे तो सोने की लग रही। सारे करवे मैंने तो कही थी ना ऐसी हवेली में माल हो तो है। फिर जा है ना चपाए सोने की हुई ना तो प्यारे मजे आ जाएंगे यार। जान कौन है वहां? भाग बच्चे जल्दी निकल, आजा 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 आजा। Oh
भैया जी हमें 2000 रुपये ना उधार दे दियो। भैया दे दो ना भैया, ऐसे क्या कर रहे हो भैया, धंधा मंदा चल रहा है। भैया टीका इस मोहल्ले का ना सबसे बड़ा कमीनो और कंजूस आदमी जे ही है वो। मकान यार अपन जो वो पायल लेकर आए ना, वो अपन पायल भी लिया थी, वहां भेज दे किसको। ठीक है जालिम ट्राई कर लेते हैं। भैया जी आप ना हमसे जे पायल खरीद लो, जे बड़ी कीमती पायल है गई, हम आपको ना सिर्फ 5000 रुपये में दे देंगे। कहाँ से चुरा के लाए बेटी? भैया जी जे हमने चुराई ना है, जे तो हमें पड़ी हुई मिली थी। अबे ये तो बहुत कीमती पायल है बे, ये इन गधों को नहीं पता, अगर हम ये पायल भाभी जी को गिफ्ट कर दे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भैया क्या सोच रहे हो भैया इतना? बेटे ये तो लोहे लंगड़ की है, 500 रुपये से ज्यादा तो इससे क्या देगा कोई। भैया 500 रुपये तो बहुत कम है भैया। अच्छा तो बेटे ना तेरी ना मेरी, ये ले बेटे 100 रुपये पकड़, चल आओ चल। हे गहनों की रानी पायल, आज मैं तुम्हें भाभी जी को उपहार स्वरूप भेंट करने जा रहा हूं। अतः तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि भाभी जी के ट्यूबलाइट से भी उजले पांव की शोभा बढ़ाने के साथ साथ हमारा प्रेम संदेश भी उन तक पहुंचा देना। पायल तू मेरा नाम तो लीजो ना, व लेकिन कहना कोई मरता है तेरा चाहने वाला। भाभी जी घर पर है? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए ना जी। और तिवारी जी कहिए कैसे हैं आप? बस भाभी जी हम तो आपके दर्शनों का प्रसाद पाकर ही आनंदित हो जाते हैं, और इस दास को क्या चाहिए इस जन्म में। अच्छा तो फिर आपने ये कच्चे बनियान का धंधा क्यों खोल रखा है? बंद कर दीजिए अपना खोका और सिर्फ मेरे दर्शन किया करिए और जिंदगी में आनंद उठाया करिए। वाह भाभी जी क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, वाह वाह क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। किस लिए? भाई अब सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैंने कहा किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं जी? किस लिए आया भाई तो भूल ही गया। हाँ हाँ भाभी जी हाँ, जरा आंखें बंद कीजिए। मैं अपनी आंखें बंद करूं क्यों? अरे कीजिए ना भाभी जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा चलिए ठीक है, कर लेती हूँ आंखें बंद। ये देखिए, वाह कितनी सुंदर पायल, दिखाइए। छोड़िए तिवारी जी, ये बताइए कि आप ये पायल किसके लिए लेकर आए? बस भाभी जी भाई दिया, आप यहाँ बैठे लड्डू के भैया और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आदमी यही भिनकता हुआ पाया जाएगा, देखिए गुरु जी बैठे ना आप यहाँ पर। अरे देखिए तिवारी जी कितनी सुंदर पायल लाए हैं। भाई दिया किसके लिए लेकर आए हैं? तुम्हारे लिए लाए हैं पगली। तू 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 क्या कर रहे हैं, हकला क्यों रहे, बताइए तुम्हारे लिए लेके आए। बोला ना सर जी आप कमाल करते हैं, आपने मुझे आंख बंद करने के लिए क्यों कहा? आप पायल अंगूरी जी के लिए लेकर आए हैं तो उनकी आंख बंद करा के आपको गिफ्ट देना चाहिए ना। एग्जैक्टली आई पायल तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहाँ से लाए चुरा के पायल? चुरा के क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? अगर चुरा के नहीं लाए तो दूसरे पायल की पायल कहाँ है? हाँ ये दूसरा पायल कहाँ है? वो एक ही पाँव में पहनने के लिए होती है पगली। ये बेवकूफ बना रहे हैं, पगली बना रहे हैं आपको,
ये कहीं से खटिया से पायल उठा के लेके आए ऐसी वैसी और आके चिपका रहे हैं आपको। चलो विभो तुम क्यों ताने दे रहे हो उनको, कम से कम वो एक गिफ्ट तो लेकर आए अंगूरी जी के लिए। इतनी सुंदर पायल तुमने आज तक कभी मुझे कोई गिफ्ट लाकर दिया है? My love is the best gift. चलिए हमको ये पायल पहनाइए। हाँ कितना सुंदर पायल है। अड्डू बेबी अड्डू अड्डू सजना है मुझे लड्डू के भैया के लिए। हाय हाय आज बहुत सच समर रही हो, क्या बात, कुछ खास बात है क्या? हाँ खास तो है ना लटकी भैया, आप हमरे लिए ये पायल जो लाए हैं। अरे यार पायल तो हम भाभी जी के लिए लाए हैं, तुम पता नहीं बीच में कहाँ से कूद पड़ी। क्या बोले? नहीं हमने कहा कि इतने इतना सजने संवरने की क्या बात है। बात ये है ना लटके भैया कि जब कोई पति अपनी पत्नी को गहना गिफ्ट में देता है ना तो पत्नी को सच सवर के वो गहने को पहन लेना चाहिए, उससे ना वो गहने का मान बढ़ता है, ऐसा हमको अम्मा जी बोली थी। अरे यार ये अम्मा जी बिना पता नहीं नित नए फितूर पलवाती रहती है तुम्हारे दिमाग में। क्या बोले? कुछ नहीं, हमने कहा तुम सजो सवरो, हम तनिक थक गए हैं थोड़ा सो लेते हैं। नहीं नहीं अभी रुकिए ना, अपने हाथों से हमको ये पायल पहना दीजिए ना। अंगूरी तुम खुद ही पहन लो ना पगली। नहीं नहीं आप अपने हाथों से पहनाइए, हमको बहुत अच्छा लगेगा प्लीज। अरे यार तुम भी ना पता नहीं नित नए तोते पाल लेती हो। ओको पहनाइए ना हमरे लिए। चलो पहना देते हैं, आओ। लीजिए लो। कैसे अपने आप खुल गए? किचन में खाना नहीं है, तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया। यार कमाल है, तुमसे मैंने कहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा, खाना बना के रखना। बनाया था लेकिन सिर्फ खुद के लिए। खुद ही बनाया खुद ही खा भी लिया, मेरा ख्याल ही नहीं तुम्हें। तुम्हें ख्याल है मेरा? यार कैसी बातें कर रही हो यार, तुम्हारा ख्याल नहीं मुझे? कद्दू ख्याल है तुम्हें मेरा? कमाल है यार, अपने से कहीं ज्यादा ख्याल रखता हूँ तुम्हारा मैं। ना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सूखा सूखा ख्याल। ख्याल तो तिवारी जी रखते हैं अंगूरी जी का। ओह आई गॉट इट ये गुस्से का जो ज्वालामुखी फूट रहा है उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत यह है कि तिवारी जी ने भाभी जी को वो पायल दी है। राइट? यार पुरानी दुरानी पायल पता नहीं कहां से लेके आ गए हैं। बेबी और एक पैर की पायल है, आराम शोर भाभी जी के दो पैर हैं। एक ही पायल लाए तो क्या हुआ, एक पायल तो लाए। मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ने तो आज तक कभी मुझे पायल का एक घुंघरू तक लाकर गिफ्ट नहीं किया। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें बहुत बेशकीमती गिफ्ट दिए हैं बाय द वे। जी आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को ऐसे गिफ्ट नहीं दिए हूं। Really? सर मैं भी तो सुनूं तुमने मुझे कौन कौन से बेशकीमती गिफ्ट दिए हैं। ऑलराइट टिपू मस्ताना, राजाराम इलेक्ट्रिशियन, चोर भिखारी पुलिस, ये सब मैं तुम्हारे लिए बनाऊं और ये बेशकीमती गिफ्ट है कि नहीं? प्लीज इन्हें गिफ्ट्स नहीं कहते। अरे एक औरत को सोना हीरा मोती जवाहरात ये सब अच्छे लगते हैं, इन्हें देखकर उसे खुशी मिलती है। तुमने मुझे इन सारी खुशियों से महरूम रखा है। चाचे मेरी औकात नहीं तो कहां से लाऊं इतने गिफ्ट, तुम्हारे इन गिफ्ट के चक्कर में महरूम हो जाऊं। अरे औकात नहीं है तो औकात बनाओ ना। तुम्हें ना इस वक्त बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। बाय गॉड बस एक तो मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, ऊपर से तुम्हारे ताने, मैं दो यातनाएं एक साथ नहीं झेल सकता।
जा रहा हूँ फ्रेश एयर के लिए, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। What? सर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे, मैं जरा फ्रेश एयर लेके आता हूँ। तेरे बाप की दीवार है, बैठा हुआ यहाँ पे दांत निकाल रहा है। गिफ्ट चाहिए इनको, हीरे जवाहरात की गिफ्ट चाहिए। हमने भी ना लेटली बहुत लालची होती जा रही, बहुत लालची होती जा रही, बस पैसा 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 पैसा। हस्बैंड का गुइया के खेत में, मैं भी लाद दूंगा सोने से एक दिन, आई स्वेयर, तब शांति मिलेगी इस औरत को। और ये कच्चा बनियान, क्या जरूरत थी इसको अनु के सामने भाभी जी को गिफ्ट देने की। इसकी शेखी मुझे भारी पड़ जाती है कई बार, ची पड़ा।